आज की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि हम यमन कल्याण राग का स्वरमालिका करेंगे ताकि आपका मध्यम तीव्र और पक्का हो जाए। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि पहले हम राग वगैरह ना करें, पहले हम जो थाट हैं 10 थाट हिंदुस्तानी संगीत में उनको पहले समझ लें। तो आज का जो विषय है वो है भैरव थाट। भैरव थाट में क्या होता है, ऋषभ स्वर यानी रे और धैवत यानी ध, ये दोनों स्वर कोमल होते हैं। इन दोनों कोमल स्वरों का स्थान कहाँ पे है, सा और शुद्ध रे के बीच में कोमल रे और प और ध के बीच में, शुद्ध ध के बीच में कोमल धैवत। भैरव थाट को समझने के लिए हम एक ये सॉन्ग सुनते हैं, गाना, जिसमें इन्हीं स्वरों का प्रयोग किया गया है और आपने पहले सुना भी होगा। दिल को दिए क्यों दुख बिरहा के, तोड़ दिया क्यों महल बना के, आस दिला के ओ बेदर्दी, आस दिला के ओ बेदर्दी, फिर लिखा है नजरिया मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया, सरगम बदनी सारे सानी धपा मगर रे सगम रे सदा। तो ये था भैरव थाट का रूप। तो अब हम इसका अभ्यास करते हैं और आज की कक्षा में एक और चीज़ आप सीखेंगे, वो है दादरा ताल। तो दादरा ताल का साउंड कैसा है, इस सब के बारे में आप जानेंगे। तो अब पहले हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं अलंकारों का। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोमल स्वर का अभ्यास करते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद शुद्ध स्वर का भी अभ्यास करना है। पिछली कक्षाओं में जाके शुद्ध स्वरों को गाइए, फिर कोमल स्वर को गाइए, फिर जो वो जो डिफरेंस है साउंड का, वो जो साउंड है वो आपको समझ में आएगा। इसी तरह आपको कल्याण का भी, कल्याण थाट का भी अभ्यास करना है और शुद्ध मध्यम का भी अभ्यास करना है। अभ्यास करते करते समझ में आना शुरू हो जाता है। शुरू में दिक्कत ज़रूर आती है, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनको ये जो साउंड है ये समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब वो कोमल करते हैं तो शुद्ध नहीं लगता, शुद्ध करते हैं तो कोमल नहीं लगता, ऐसे हो जाता है। इसलिए उसको ऑल्टरनेट उस पर करते रहिए। तो आज हम भैरव थाट के स्वर को देख लेते हैं। ए शार्प स्केल ले लेती हूँ मैं। देखिए ये जो साउंड है, इस साउंड को समझिए, एक बार और करेंगे, ऐसे ही स्लो स्लो करते हैं, सा रे गा अब एक बार शुद्ध गा लेते हैं, सा रे गा मा आ धा
फिर से कोमल सा रे गा रे अलंकार और कर लेते हैं सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा फर्क है शुद्ध और कोमल में सारे शुद्ध सारे रे रे सा। बेसिकली शुरू में आपको ये जो स्वर स्थान है इसी को समझना है, कोमल रे का स्थान शुद्ध रे का स्थान कितना डिफरेंस है, ये जो साउंड उसमें से क्या निकल रहा है, ये सारी चीजें आपको समझना है। एक्चुअल में ये समझने की ही चीज है। तो कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं ना हम विदाउट एन इंस्ट्रूमेंट कैसे गाएंगे, गाया जाता है नहीं जाता है, विदाउट एन इंस्ट्रूमेंट भी यू कैन सिंग, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक आपके स्वर आपके कंट्रोल में नहीं आ जाते तब तक आप विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट थोड़ा मुश्किल होता है गाना। पहले इसलिए स्वर स्थान को सब पहले समझिए, उसके बाद आप बिना म्यूजिक बिना किसी सहारे के गा सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो उसको एकदम चलना नहीं सीख सकता ना, उसको सहारा चाहिए होता है, उसको सहारा दे दे के चलाते हैं फिर वो इंडिपेंडेंटली चलता है। इसमें भी यही है। अब जैसे मैंने एक सा दबाया, सा छोड़ दिया, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो बिना उसके भी आप गा सकते हैं। आज की कक्षा का दूसरा टॉपिक है ताल, दादरा ताल। दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 6 मात्राएं होती हैं और उसका जो साउंड है वो अभी आपको सुनाते हैं हम। उसका ये ऐसे बजता है। और अगर हम इसको हाथ में समझे तो कैसे करेंगे? धा धी ना धा ती ना, 1 2 3 4 5 6 धा धी ना धा ती ना। तो अब इसमें अगर हम दुगुन और चौगुन करें तो ऐसे करेंगे। देखिए पहले हम सिंगल लय में करते हैं, धा धी ना धा ती ना, 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 धा धी ना धा ती ना।
और अगर इसका चौगुन करना है तो कैसे करेंगे, स्पीड वही रहेगी, धाधीना धातीना 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 धा धी ना धा धी ना। मतलब एक मात्रा में जब हम दो मात्रा को लेते हैं तो दुगुन हो गया, चार मात्रा को लेते हैं तो चौगुन हो गया। तो दादरा ताल में इसको हम ऐसे समझ रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 एक तरीका ये भी है, जैसे कि हम लोगों को सिखाया जाता था बचपन में, हमने जब सीखा था तो हमें हमारे गुरुजी ने ऐसे सिखाया था, धा धी ना धा ती ना। जो ये है ये मतलब खाली, ये मतलब ताली, ताली खाली, पहली मात्रा ताली, चौथी मात्रा खाली, धा धी ना धा ती ना धा धी ना धा ती ना। इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं और दादरा ताल का जो साउंड है वो आप सुनिए। और कुछ सॉन्ग्स जो हैं फिल्मी सॉन्ग्स दादरा ताल में गाए गए हैं, बहुत बहुत सॉन्ग्स गाए हैं। और दादरा ताल का यूज़ ज़्यादातर लाइट म्यूज़िक में किया जाता है, और दादरा एक गायकी भी है जो कि दादरा ताल में गाई जाती है क्लासिकल म्यूज़िक में। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने दादरा ताल के बारे में जाना और भैरव के बारे में आपने जाना, स्वरों को आपने सुना और समझने की कोशिश की। अब एक जो सरस्वती स्तुति है उसको मैं हर थाट में, जिस जो भी थाट हम नया सीखेंगे उस स्तुति को ज़रूर आपको गा के बताऊंगी। भैरव थाट हमने आज किया तो भैरव में हम उस स्तुति को गा लेते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हारे धवला सदा शुभ्र वस्त्र निशेष जाट्या पहा। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम।